हेलो चिल्ड्रन टुडे वी विल डू द पार्ट बी ऑफ चैप्टर थ्री ओके द टॉपिक सब टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड आउटलाइन ओके तो इसमें हम फर्स्ट टॉपिक जो देखेंगे वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड आउटलाइन सो आई एम गोइंग टू रीड एंड देन एक्सप्लेन सो रेडी विथ योर पेंसिल एंड अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट सेंटेंस और वर्ड ओके विद द कमेंसमेंट ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड द वर्ल्ड वॉज अं डिड इन टू टू ग्रुप्स जब वर्ल्ड वॉर टू हुआ तो जो वर्ल्ड है वो टू ग्रुप्स में डिवाइड हो गया वन साइड एलाइड नेशन एंड अनदर साइड एक्सिस नेशन तो जो एलाइड नेशन में थे वो थे उ, उनको लीड कर रहे थे इंग्लैंड और फ्रांस और एक्सिस नेशन में जो लीड कर रहे थे इटली जापान और जर्मनी एंड डिसाइड दीज सम अदर फैक्टर्स विद वॉट ड्राइव एंड मैंटेलिटी हैड एंट इन टू दिस तो इनके अलावा जो एक ग्रुप्स का डिविजन हुआ इनके अलावा कुछ और भी फैक्टर्स थे जो लोगों की मैंटेलिटी मतलब वर्ल्ड वॉर टू की मैंटेलिटी को बढ़ावा दे रहे थे जापान अटैक द अमेरिकन नेवी एट पोल हार्बर ठीक है जापान ने अमेरिकन नेवी के ऊपर अटैक किया पुल हार्बर पर पुल हार्बर में एज अ रिजल्ट अमेरिका गिव अप ऑन इट्स न्यूट्रल स्टैंड एंड रिटेलिएटेड रितेल, ठीक है तो अमेरिका ने अपना न्यूट्रल स्टैंड लिया और इट ज्वाइन द अलाइड नेशन दस मेकिंग इट इस तो और उसने अलाइड नेशन को ज्वाइन कर लिया जिसकी वजह से वो क्या हो जाए पावर में आ जाए स्ट्रांग हो जाए वेन द वॉर वॉज गोइंग ऑन इन फुल स्विंग अमेरिका ड्रॉप एटम बॉम ऑन द टू जैपनीज सिटीज ठीक है जब वॉर अपनी चरम सीमा पे था तभी अमेरिका ने क्या किया एटम बॉम ड्रॉप किया जापान की दो मेन सिटीज़ पर हिरोशिमा एंड नागासाकी इन ऑर्डर टू स्टॉप जापान फ्रॉम मूविंग एनी फर्दर ताकि उन्हें एक धमकी भरा ये बॉम्ब था कि तुम अब आगे ना बढ़ सको इसलिए हिरोशिमा और नागासाकी पर उन्होंने बॉम्ब ड्रॉप किया एटम बॉम्ब वन लैख ट्वेंटी फोर थाउजेंड जापनीज सिटी सिटीजन लॉस देयर लाइफ एंड देयर वॉज एब्सोलूट डिस्ट्रक्शन और वन लैक ट्वेंटी फोर थाउजेंड लोगों ने अपनी जवान जान जो है गवा दी इस अटैक में जापान सरेंडर इलेवेंथ अगस्त 1945 फोर्टी फाइव एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड केम टू अन एंड तो जापान ने खुद को सरेंडर कर दिया कब इलेवेंथ अगस्त नाइनटीन फोर्टी फाइव को इसको अंडरलाइन करिएगा तो इलेवेंथ अगस्त 1945 फोर्टी फाइव को उसने सरेंडर किया जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है ओवर हुआ ओके okay, तो यहाँ पर ये आउटलाइन हमने देखा कि वर्ल्ड वॉर सेकंड का क्या था क्या सेकंड तो, के बाद जो इफेक्ट आया वर्ल्ड में अब हम उसके बारे में देखेंगे इकोनॉमिक इफेक्ट है कम्युनिज्म इफेक्ट और ये जो कोल्ड वॉर हुआ इन सब के बारे में हम देखेंगे सो फर्स्ट इफेक्ट है इकोनॉमिक इफेक्ट दिस वॉर हैड कॉज हॉ डिस्ट्रक्शन इन द वर्ल्ड तो एक इस वॉर की वजह से वर्ल्ड वॉर सेकेंड की वजह से विश्व में दुनिया में एक भयानक तबाही हुई ऑल द इन्वॉल्व नेशन हैड इंक्योर्ड यूज एक्सपेंस अभी जितने भी नेशंस इन्वॉल्व थे इस वॉर में उनको भारी खर्चा करना पड़ा था अमेरिका हैड स्पेंड थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी बिलियन डॉलर एंड अदर नेशन हैड स्पेंट मोर देन वन थाउजेंड बिलियन डॉलर अमेरिका ने अकेले अमेरिका ने ही थ्री हंड्रेड फिफ्टी बिलियन डॉलर्स खर्च कर दिए थे और बाकी जो नेशंस थे उन्होंने भी एक हज़ार से ज़्यादा बिलियन डॉलर्स खर्च किए प्रॉपर्टी वॉट द सेम हैड बिन डिस्ट्रॉय टू इसी तरह प्रॉपर्टी में भी बहुत तबाही हुई इंग्लैंड लॉस इट्स प्रॉपर्टी वट टू थाउजेंड करोड़ एंड अबाउट जर्मनी वन कांट एमेजेंट इंग्लैंड ने अपनी दो करोड़ की प्रॉपर्टी लॉस की जबकि जर्मनी का तो हम कुछ अंदाजा भी नहीं लगा सकते इतने ज़्यादा इतना ज़्यादा खर्च हो गया था द नेशन ऑफ द वर्ल्ड गिव मोर इम्पोर्टेंस टू द प्रोडक्शन ऑफ आर्म्स एंड एम्यशंस ठीक है तो उस टाइम पे जो नेशंस थे वर्ल्ड में वो लोग क्या कर रहे थे इम्पोर्टेंस दे रहे थे आर्म और एम्योनेशन की प्रोडक्शन पर ठीक है जबकि जो बेसिक नीड की की ज़रूरत की चीज़ें थी उनकी शॉर्टेज होने लगी उसकी प्रोडक्शन कम होगी सो देयर वाज ए स्केसिटी ऑफ थिंग्स फॉर बेसिक नीड्स तो बेसिक नीड्स के लिए जो थिंग्स थे वो कम होने लगे प्रोडक्शन रिड्यूस इन्फ्लेशन इंक्रीज पीपल वर स्ट्रगलिंग फॉर लाइवलीहुड तो अभी प्रोडक्शन कम हो गया इन्फ्लेशन मीन्स खर्च बढ़ने लगा महंगाई बढ़ने लगी और लोग अपनी रोज़मर्रा के जीवन की चीज़ों के लिए रोजी रोटी के लिए काफ़ी संघर्ष करने लगे देर वॉज ए स्केसिटी ऑफ नेसेसरी गुड्स इन द मार्केट मार्केट में शॉर्टेज होने लगी स्केसिटी मीन्स अच्छा यानी कमी होना और बेसिक नीड्स की जो चीज़ें हैं द इकनॉमिक लाइफ ऑफ पीपल वॉज शैटर्ड और uh, खतरे में आने लगी इकनॉमिक लाइफ जो थी लोगों की uh, डगमगाने लगी एज अ रिजल्ट द नेशन ऑफ द वर्ल्ड वॉर पुश इन इन टू अन इकनॉमिक डिप्रेशन अभी पूरे वर्ल्ड को वर्ल्ड में जो नेशनस इन्वॉल्व हुए थे इन सब में वो क्या उन्हें हुए डिप्रेशन में जाना इकनॉमिक डिप्रेशन आ गया देर वॉज मेजर चेंजेस इन दर्ल्ड पॉलिटिक पॉलिटिक्स एंड इकनॉमी और उसके बाद काफ़ी एक मेजर चेंज देखने को मिला वर्ल्ड पॉलिटिक्स में और इकनॉमी में नाउ द सेकेंड इज कम्युनिज़म इन चाइना

तो उससे उनका काफ़ी विकास हुआ जिस वजह से देश के विश्व के काफ़ी नेशंस जो देश हैं उससे प्रभावित हुए थे उसमें में से एक चाइना भी था चाइना टू वाज इम्प्रेस चाइना भी इम्प्रेस था जापान हैड बिकम वीक आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो जापान है हैड बिकम वीक ओके कमज़ोर हो गई and under the circumstances it control over china had reduced uh, receded ठीक है तो जो कंट्रोल था चाइना के ऊपर उसका वो भी कम होने लगा taking advantage of this mao tsung established communist rule in 1949 at the end of a revolution in china जब चाइना में रेवोल्यूशन का एंड हो रहा था तब mao tsung ने क्या किया कम्युनिस्ट रूल एस्टैब्लिश किया इन द ईयर 1949, 1949 में अब ये एक इफेक्ट देखने को मिला मतलब चाइना में साम्यवादी रूल जो आ गया कम्युनिस्ट रूल आ गया और इकोनॉमिक इफेक्ट हमने देखा अब अब एक वो इफेक्ट और हुआ वो है कोल्ड वॉर द बिगनिंग ऑफ कोल्ड वॉर लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट अभी कोल्ड वॉर देखेंगे हम कि उस पर भी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर उसका जो इफेक्ट हुआ उससे कोल्ड वॉर भी हुआ आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड द वर्ल्ड वाज़ डिवाइडेड इंटू टू सुपर पावर्स अमेरिका एंड रशिया तो वर्ल्ड वॉर के बाद जो कं टू ग्रुप्स में डिवाइड हुआ था अमेरिका एंड रशिया ड्यूरिंग द वॉर बोथ द नेशन वर फ्रेंड्स जब युद्ध स्टार्ट हुआ जब युद्ध चल रहा था तब ये दोनों ही नेशंस क्या थे फ्रेंड्स थे बट आफ्टर द वॉर द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन दैम वेंट ऑन इंक्रीजिंग ठीक है बट आफ्टर वॉर जो इनके विचार थे जो इनके आइडियाज़ थे एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे थे जो कि दोनों में डिफ्रेंसेस आने लगे और वो बढ़ता चला गया दस द डेमोक्रेटिक अमेरिका एंड कॉम्युनिस्ट रशिया बिकम म्यूचुअल अपोजिट ग्रुप और वो लोग डेमोक्रेटिक uh, जो अमेरिका है कॉम्युनिस्ट रशिया वो लोग अपोजिट ग्रुप्स में हो गए अदर स्मॉल नेशन ऑफ द वर्ल्ड जॉइन द टू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस तो बाकी के जो नेशंस थे अपनी सहूलियत को देखते हुए वो लोग दोनों ग्रुप्स में से किसी एक ग्रुप को ज्वाइन कर ले रहे थे द वॉर ऑफ़ द वर्ड्स एंड द वॉर ऑफ आइडियोलॉजि डैट बोथ सुपर पावर इनिशिएटेड इन ऑर्डर टू सपोर्ट और अपोज ईच अदर्स ओपिनियन क्रिएटेड द एटमोसफियर ऑफ कोल्ड वॉर अभी जो ये एक विचारों का वॉर था शब्दों का वॉर था जब आपस में हमारे आइडियाज़ मैच नहीं कर रहे हैं हमारे शब्द मैच नहीं कर रहे हैं तो ये जब एक जब मुंह से ही आइडियाज से विचारों से जो वॉर होता है ना तो उसे कोल्ड वॉर कहा जाता है तो ये इसने क्या किया दोनों ग्रुप्स के आइडियाज़ मैच नहीं हो रहे थे तो जिस वजह से कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया मैनी अ टाइम्स सिचुएशन फॉर दी वर्ल्ड वॉर थर्ड वर्ल्ड वॉर सीन टू बी क्रिएटेड तो कई बार तो ऐसा सीन क्रिएट हुआ कि ऐसी सिचुएशन आती थी कि यूँ लगता था तृतीय मतलब थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा तो ये सारे इफेक्ट हुए आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर अब आगे का चैप्टर जो है उसमें है यूनाइटेड नेशंस है यूनाइटेड नेशन के बारे में हम देखेंगे उसके ऑर्गन्स जो हैं वो भी हम देखेंगे तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द लीग ऑफ नेशन वाज़ फॉर्म इन ऑर्डर टू स्टेब्लिस वर्ल्ड पीस बट द फैक्ट दैट द वर्ल्ड वॉर सेकेंड अकर्ड मीन दैट द लीग ऑफ नेशन वॉज अ फेलियर तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसके बाद लीग ऑफ नेशन इस्टेब्लिश किया गया बट लीग ऑफ नेशन क्यों इस्टेब्लिश किया गया था ताकि विश्व में शांति बनाई जा सके बट फिर भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ इट मीन्स कि जो लीग ऑफ नेशन था वो इतना सफल नहीं रहा जिस वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया

इसका पर्पस क्या था विश्व में शांति बनाए रखना सिक्योरिटी बनाए रखना कोजिस्टेंस बनाए रखना इट्स और इसका जो क्वार्टर था इट्स हेड क्वार्टर वाज टू बी इन न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क में इसका क्वार्टर था अमेरिकाज एफोर्ट टू यूनाइटेड नेशन हैड ऑलरेडी बिगिन फ्राम द टाइम इट जॉइन द वर्ल्ड वॉर वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर्स तो अमेरिका को जो ये इस्टेब्लिश करना था यूनाइटेड नेशन ये कब से उसकी सोच हो गई थी जब उसने वर्ल्ड सेकेंड वर्ल्ड वॉर जॉइन किया था द अमेरिकन प्रेसि प्रेसिडेंट रूसवेल्ट मेड फॉ फोर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट रिगार्डिंग फ्रीडम वाइल गिविंग हिज मैसेज टू द अमेरिकन कांग्रेस जब अमेरिकन कांग्रेस को अमेरिका के प्रेसिडेंट जो रूजवेल्ट था वो थे तो जब वो अमेरिकन कांग्रेस को मैसेज दे रहे थे उस टाइम पर उन्होंने चार मुख्य अनाउंसमेंट किए थे लोगों की आज़ादी को लेके जिसमें उन्होंने किसको इम्पोर्टेंस फ्रीडम पीस और सिक्योरिटी को इम्पोर्टेंस दिया था तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड थॉट फ्रीडम ऑफ रिलीजन फ्रीडम इकोनॉमिक फ्रीडम राइट टू फ्रीडम फ्रॉम फियर तो ये चार मुख्य अनाउंसमेंट थे आज़ादी को लेके फर्स्ट था स्पीच एंड थॉट की आज़ादी होनी चाहिए लोग अपने विचारों को विचार कर सके उसे बोल सके ठीक है थॉट्स जो हैं उनको प्रेजेंट कर सके और धर्म को लेकर आज़ादी थी और इकोनॉमिक फ्रीडम आर्थिक जो आज़ादी दी गई और राइट टू फ्रीडम फ्रॉम फियर और डर के माहौल में जो वो लोग जी रहे थे उससे उनको आज़ादी होनी चाहिए मतलब उस माहौल से वो लोग बाहर निकल सकें आज़ादी से लाइफ सरवाइव कर सकें लेटर प्रेसिडेंट रूजवेल्ट एंड द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चर्चिल अन एट पॉइंट एग्रीमेंट वेल दे वर ऑन अ शिप इन द एटलांटिक ओशन विच लेटर केम टू बी नोन एज एटलांटिक एग्रीमेंट तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चर्चिल और प्रेसिडेंट जो रोजवल्ड थे उन्होंने एट पॉइंट एग्रीमेंट बनाया जब वो अटलांटिक ओशन में शिप में थे तो इसी एग्रीमेंट को आगे चल के एग्रीमेंट कहा गया द एग्रीमेंट इंक्लूडेड मैटर लाइक मेंटेनिंग फ्रीडम एंड सवर्निटी ऑफ एवरी नेशन पीस सिक्योरिटी सोशल एंड इकनॉमिक वेलफेयर एंड डिसमेंट तो इसके जो मेन मतलब टॉपिक्स जो थे वो क्या था कि फ्रीडम को राष्ट्रता को भाईचारे को शांति को सुरक्षा को सामाजिकरण को इकनॉमिक वेलफेयर को और ये डिसाम को सपोर्ट किया इन लोगों ने कि मतलब इस तरीके की चीज़ें मतलब लोग आजाद होने चाहिए शांति देश में होनी चाहिए और हथियारों का मतलब प्रोडक्शन कम कर देना चाहिए देन द दॉरेन मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन अमेरिका रशिया एंड चाइना चाइना मेट इन मॉस्को फॉर वर्ल्ड पीस वि केम टू बी नोन एज मॉस्को डिक्लेशन तो ये जो फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ ब्रिटेन के अमेरिका के रशिया के चाइना के इन लोगों ने एक मीटिंग की मॉस्को में और ये मीटिंग किस लिए हुई थी वर्ल्ड पीस के लिए और इस मीटिंग को बाद में नाम दिया गया मॉस्को डिक्लेरेशन इन नवंबर 1943 थ्री सुपर पावर हेल्ड कॉन्फ्रेंस इन तेहरान जो तीन सुपर पावर्स थे उन्होंने तेहरान में एक कॉन्फ्रेंस किया द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फिफ्टी नेशंस प्रिपेयर द एग्रीमेंट फॉर द यूनाइटेड नेशन एट वाशिंगटन सेप्टेम्बर नाइनटीन जो पचास जो देश थे उन्होंने एक एग्रीमेंट तैयार किया और जो कि प्रेजेंट किया वाशिंगटन में यूनाइटेड नेशन में इन द ईयर 1944 ऑन अक्टूबर 24 1945 नाइनटीन फोटी फाइव द फिफ्टी वन मेम्बर नेशन डिक्लेयर दफ़ यूनाइट नेशन ठीक है तो जब यूनाइटेड नेशन इस्टेब्लिश हुआ ट्वेंटी अक्टूबर नाइनटीन को तो इसके मेम्बर्स जो थे वो कितने थे फिफ्टी वन थे इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट इंडिया भी उसका हिस्सा था सिंस दैन ट्वेंटी फोर्थ अक्टूबर इज सेलिब्रेट एजनाइटनाइट नेशनस डे ऑल ओवर दर्ल्ड तो पूरे वर्ल्ड में ट्वेंटी फोर्थ अक्टूबर को यूनाटेड नेशन डे मनाया जाता है प्रेजेंटली वन नाइन्टी थ्री नेशन आर मेम्बर ऑफ द यूनाइटेड नेशन तो पहले जब इस्टेब्लिश you know, हुआ था इन ईयर नाइनटीन फोटी फाइव ओनली फिफ्टी वन मेम्बर्स और अब जो है वन नाइन्टी थ्री हैं इस दीग के नेशंस के ओके तो अब हम इसके ऑर्गन देखेंगे यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गन कौन कौन से हैं जैसे कि अलग अलग इसके ऑर्गन्स है जिसमें जनरल असम्बली सिक्योरिटी काउंसिल ट्रस्ट काउंसिल एक्सेट्रा स्ट्रक्चर अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस टू अचीव इट एम्स इंक्लूडेड सिक्स ऑर्गन्स तो जो स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया गया अपने एम्स को अचीव करने के लिए तो इसमें मेन सिक्स ऑर्गन्स इन लोगों ने बनाए तो फर्स्ट एज जनरल असेंबली सिक्योरिटी काउंसिल इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ट्रस्टीशिप काउंसिल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड सेक्रेट्रिएट तो ये सिक्स थे मेन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज इज इन हैग नीदरलैंड ऑल अदर काउंसिल आर सिचुएटेड इन न्यूयॉर्क अमेरिका तो जो बाकी के थे वो थे न्यूयॉर्क अमेरिका में बट जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस था वो हैग में था नीदरलैंड में तो एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस तो जो एक्टिविटीज़ थी ऑर्गन्स की अब वो हम देखेंगे जैसे कि फर्स्ट जनरल असम्बली तो इसकी क्या एक्टिविटी थी इसका क्या काम था द बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन इज़ जनरल असेंबली तो जो सबसे बड़ा ऑर्गन था यूनाइटेड नेशन का वो था जनरल असम्बली इट इंक्लूड्स द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल ओवर नेशंस तो जितने भी नेशंस थे इसके रिप्रेजेंटेटिव थे एवरी नेशन कैन सेंड मैक्सिमम फाइव रिप्रेजेंटेटि दिस तो हर एक नेशन को कम से कम फाइव रिप्रजेंटिटिव को वहाँ पर भेजना होता था बट डूरिंग इलेक्शन ओनली वन वोट ऑफ ईच कंट्री इज काउंटेड बट जब इलेक्शन होते थे तो बस एक ही वोट काउंट किया जाता था एक कंट्री की तरफ से इट कैन डिस्कस एडवाइस सजेस्ट और रेकमेंड और ऑन एनी मैटर रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशन जो भी इंटरनेशनल इंटरनेशनल मतलब अलग अलग कंट्रीज़ को लेकर कुछ भी ऐसा कोई भी इशू होता था तो उसमें वो लोग डिस्कस करते थे एडवाइस देते थे सजेशंस देते थे एंड सेकेंड है इट एक्सेप्ट बजट प्रजेंट बाई द सेक्रेटरी काउंसिल सेक्रटरी जनरल और एवरी ईयर एंड एलोकेट्स द एक्सपेंस तो जो ये बजट पास होता था सेक्रेटरी जनरल की ओर से उसे वो लोग एक्सेप्ट करते थे और एलोकेट मतलब बाँटते थे खर्च की किसे कितना खर्च करना है इट अटैम्प टू फाइंड सोल्यूशन टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ द नेशंस ह्यूमन राइट डिसामेंट ऑफ़ द इंटरनेशनल मैटर तो इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स थे उसके ऊपर वो लोग उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते थे जनरल असेंबली का ये काम होता था जैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ह्यूमन राइट्स को लेके है डिसमेंट्स को है ठीक है डिसीजन आर टेकन बाय टू थर्ड मेजोरिटी इन जनरल मैटर तो जो मेजॉरिटी आती थी टू थर्ड मेम्बर की जितने भी टोटल मेम्बर्स थे उनका जो टू थर्ड परसेंटेज था वो मेजोरिटी को देखकर उस तरीके उस साइड का डिसीजन ले लिया जाता था ये था जनरल असेंबली का काम अब है सिक्योरिटी काउंसिल तो अब सिक्योरिटी काउंसिल का काम जो है वो देखा जाएगा दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन तो यूनाइटेड नेशन का ये सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन था देर आर फाइव परमानेंट मेंबर इन द अमेरिका ब्रिटेन फ्रांस रशिया एंड चाइना तो अमेरिका ब्रिटेन फ्रांस रशिया के परमानेंट फाइव मेंबर्स इसके होते ही थे अदर टेन कंट्रीज़ आर नॉट परमानेंट मेंबर, दे आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ टू ईर बाय द जनरल असेंबली और बाकी के जो दस कंट्री थी वो इनके परमानेंट मेंबर नहीं होती थी वो दो साल के लिए होती थी जो इलेक्ट की जाती थी दिस काउंसिल इंजॉय ट्रेमेंडस पावर इन ऑर्डर टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को बनाए के बनाने के लिए ये एक इसके पास सुपर पावर था ठीक है ये डिसीजन ले सकती थी सॉल्व द प्रॉब्लम एंड डिस्प्यूट ऑफ द नेशन पीसफुली थ्रू नीगोशियेशन एंड मेडि मेडिएशंस ठीक है तो जो भी डिस्प्यूट्स होते थे डिस्प्यूट्स होते थे नेशंस के बीच में तो ये पीसफुली उनके साथ बातचीत करके सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती थी व्हेन एनी वन परमानेंट मेंबर डज नॉट वोट इन सपोर्ट ऑफ सम इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल मैटर इट कैन नॉट टेक अ डिसीजन ऑन डैट अगर परमानेंट मेम्बर में से कोई भी एक मेम्बर अगर सहमत नहीं है बाकी के चार के साथ तो डिसीजन नहीं लिया जाएगा दिस पावर ऑफ द फाइव परमानेंट मेंबर इज़ कॉल्ड वीटो और राइट टू डिनर मतलब वीटो पावर एक था इन लोगों को पांचों के पास ठीक है रशिया हैज़ यूज़ दिस वीटो पावर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रशिया ने बहुत बार इस वीटो पावर का यूज़ किया जो इन्हें पावर मिला था ये फाइव कंट्रीज़ को तो उसमें रशिया जो है मेनी टाइम्स उसने इस वीटो पावर का यूज़ किया अब है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो ये ऑर्गन है वो देखेंगे हम इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल दिस काउंसिल ऑल्सो कॉल्ड इकोसॉक ठीक है इसे इकोसॉक भी कहा जाता था इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल द जनरल असेंबली अपॉइंट टू थर्ड ऑफ इट्स रिटायरिंग मेंबर फॉर थ्री ईयर्स जो जनरल असेंबली थी उसके रिटायर्ड जो मेंबर्स होते थे उनका टू थर्ड मेंबर अपॉइंट करते थे थ्री ईयर्स के लिए इस इकोनॉमिक काउंसिल के मेंबर्स के लिए दिस काउल काउंसिल ट्राइज टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द नेशन ऑफ़ दर्ल्ड विदाउट एनी बायज ऑफ रिलीजन कास्ट रीजन ठीक है मतलब इस काउंसिल का काम होता था वो लोग कोशिश करते थे कि लोगों का जो इकनॉमिक लेवल है उसको ऊपर लाना ठीक है बिना किसी धर्म या कास्ट या रीजन को इंपॉर्टेंस दिए दिस काउंसिल एंड इट्स सब काउंसिल वर्क ऑल ओवर द वर्ल्ड तो ये जो काउंसिल और इसके सब काउंसिल है वो पूरे विश्व में काम कर रहे थे सब काउंसिल्स में जैसे डब्ल्यू एच ओ है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्क टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ पीपल ऑफ़ द आई एम एफ है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वर्क टू इस्टेब्लिश फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ठीक है ये सब एब्रिविएशन आप लोग लर्न कर लीजिएगा ठीक है जैसे एफ ए, ए एफ ए ओ है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हेल्प टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन फॉरेस्ट्री एंड फिशरी एंड रेज द न्यूट्रिशन लेवल ठीक है इन सभी सेक्टर्स में वो वर्क कर रहे थे अब आई एल ओ है जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वर्क टू प्रोवाइड राइट एंड जस्टिस टू लेबर्स ऑफ द वर्ल्ड ठीक है लेबर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड एमरजेंसी फंड है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड चिल्ड्रन फंड है चिल्ड्रंस फंड ओके वो Uh, UNICEF JOLOV uh, undertake child welfare activity to improve the health and children of the world by improving, providing nutritional food and uh, education now UNESCO UNESCO united nations educational scientific and cultural organization work to improve the cooperation between nation by रिवूविंग लिटरेसी रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल थ्रू एजुकेशन प्रोवाइडिंग जस्टिस एजुकेशन साइंस एंड कल्चर रिसोसेस ठीक है यूनेस्को का ये काम होता था कि लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड को हाई करना लिटरेसी को कम करना इलिट्रेसी को कम करना लिटरेसी को रेज करना जस्टिस देना एजुकेशन को सपोर्ट करना बिसाइड दीज देयर आर सब काउंसिल एंड रीजनल काउंसिल विच अंडरटेक वेरियस एक्टिविटी इनके अलावा सब काउंसिल्स भी होते थे रीजनल काउंसिल्स भी होते थे जो बाकी की एक्टिविटीज को देखते थे तो ये काम हो गया इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का अब है ट्रस्टीशिप काउंसिल उसका फोर्थ ऑर्गन है ट्रस्टीशिप काउंसिल का ट्रस्टीशिप काउंसिल देर आर फाइव परमानेंट मेंबर नेशन इन दिस काउंसिल फाइव परमानेंट मेंबर होते थे नेशंस के द रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्टेड बाई द जनरल असेंबली आर इंक्लूडेड हियर जो रिप्रेजेंटेटिव थे जनरल असेंबली के लिए इंक्लूड किए होते थे वो इन्हें यहाँ पर इंक्लूड किए जाते थे इट ओवरसीज मैटर परटेनिंग टू नेशन डेट हैव नॉट एक्वायर्ड इंडिपेंडेंस एंड आर अंडर सम प्रीवियस मैंडेट ऑल्सो नेशन डिफिटेड इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एज वेल एज इट सोशल इकनॉमिक पोलिटिकल डेवलपमेंट अभी जो नेशन्स डेवलप नहीं थे इंडिपेंडेंट नहीं थे उन सभी नेशनस के लिए लोग काम करते थे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में डिफीट हुए थे उन नेशंस के लिए वर्क कर रहे थे उनका सोशल इकनॉमिक और पोलिटिकल डेवलपमेंट के लिए ट्रस्टिप काउंसिल वर्क करती थी ना ना तो फिफ्थ वन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इट्स हेड क्वार्टर इन द सिटी ऑफ हैग इन नीदरलैंड नीदरलैंड में जो हैग सिटी है वहाँ पर इसका हेडकोार्टर था देयर आर फिफ्टीन जज इन एट फिफ्टीन जज बैठते थे वहाँ पर हु आर अपॉइंटेड फॉर नाइन ईयर्स जो कि नाइन ईयर्स के लिए अपॉइंट किए जाते थे इट्स सॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन नेशंस गिव्स गि इंटरनेशनल डिस्प्यूट प्रेजेंटेड बिफोर इट एंड गिव्स लीगल एडवाइस ठीक है तो ये जो जज थे ये लोग उन डिस्प्यूट्स को हैंडल करते थे जो नेशंस से इन्वॉल्व थे जो मेम्बर्स थे इसके और एक सही जजमेंट उन्हें प्रोवाइड करते थे तो ये हो गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का काम ना सेक्रेटरीट द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी जर्नल ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज़ कॉल्ड सेक्रेटरीट जो ऑफिस था सेक्रेटरी का उसे सेक्रेटरीट कहा जाता था द जर्नल असेंबली अपॉइंट द सेक्रेटरी जर्नल फॉर फाइव ईयर्स फाइव ईयर्स के लिए एक सेक्रेटरी को चूज किया जाता था सेक्रेटरीज एडमिनिस्ट्रेटर्स सेक्रेटरी जनरल अभी सेक्रेटरी जनरल की हेल्प से ये सारे लोग अपॉइंट किए जाते थे जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटर्स असिस्टेंट ट्रांसलेटर एक्सपर्ट आर ऑल्सो द सेक्रेटरीट इज सिचुएटेड सेक्रेटरीट इज सिचुएटेड इन न्यूयॉर्क इसका हेड ऑफिस काम पे था न्यूयॉर्क में द यूनाइटेड नेशन हैज कॉन्स्टेंटली बीन मेकिंग एफर्ट टू establish वर्ल्ड पीस जो यूनाइटेड नेशन था उसने पूरा एफर्ट डाला वर्ल्ड पीस को शांति को बनाए रखने के लिए वर्ल्ड यूनिटी को एकता को बनाए रखने के एंड टू अचीव द ड्रीम ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड और जो पूरे विश्व में एक यूनिवर्सल भाईचारा है उसको बनाए रखने के लिए वो अचीव जो उसका गोल था उसको अचीव करने के लिए सारा अपना एफर्ट लगा दिया था तो चिल्ड्रन यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ के होंगे दो से तीन बार वीडियो को जरूर से देखिएगा और कोई भी डाउट मत रखिएगा ओके okay? तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज है क्वेश्चन आंसर्स हमारे जो सेक्शन वाइज हम करते हैं वो हम करेंगे तब तक तो चैप्टर को दोनों तीनों वीडियोज़ को अच्छे से देख लीजिएगा थैंक यू